हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। आज हम सीखेंगे प्रिपोजिशंस। क्या होते हैं प्रिपोजिशंस? प्रिपोजिशंस वो होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ कहाँ पे रखी है, वो ऊपर रखी है, नीचे रखी है, अंदर है, बाहर है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो आज हम सीखेंगे 3 प्रिपोजिशंस, ऑन, अंडर एंड इन। ये 3 प्रिपोजिशंस के बारे में हम सीखेंगे ये कैसे यूज होते हैं। ऑन, ओ एन ऑन, यानी ऊपर। किसी चीज के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो होती है ऑन पोजीशन। फिर आता है अंडर, UNDER, अंडर। अंडर यानी नीचे, किसी चीज़ के नीचे। तो जब भी कोई चीज़ नीचे रखी है तो वो होती है अंडर पोजीशन। फिर आता है इन, IN, इन यानी अंदर। कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर रखी है तो वो होती है इन पोजीशन। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं तो इससे समझ में आएगी हमको ऑन, अंडर और इन पोजीशन। तो देखते हैं हम, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे है एक ग्रीन एप्पल और वो कहाँ पे रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। तो ऊपर वाली पोजीशन कौन सी होती है? ऑन, यानी कि एप्पल टेबल के ऊपर रखा है तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? एन एप्पल इज ऑन द टेबल, यानी कि वो ऑन पोजीशन पे है, ऊपर की पोजीशन पे, राइट? अब आपको क्या दिख रहा है? यस, एक और ग्रीन एप्पल है कहाँ पे? टेबल के नीचे। तो जब भी नीचे वाली पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंडर। तो हम इसको कैसे कहेंगे? एन एप्पल इज अंडर द टेबल, यानी कि एप्पल टेबल के नीचे है। अब इसके बाद आता है ये एप्पल्स, और भी बहुत सारे एप्पल्स कहाँ पे रखे हैं? बास्केट के अंदर, यानी इन द बास्केट। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एप्पल्स आर इन द बास्केट, यानी ये इन प्रिपोजिशन यूज होगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक और पिक्चर है। अब आप चूंकि समझ चुके हैं कि ऑन कैसे यूज होता है, अंडर पोजिशन कैसे यूज होती है और इन पोजिशन कैसे यूज होती है, तो अब आप बताएंगे जो ये बुक के ऊपर पेंसिल रखी है इसके लिए हम कैसे कहेंगे? यस, अ पेंसिल इज ऑन द बुक, यानी कि एक पेंसिल बुक के ऊपर रखी हुई है। अब जो पेंसिल बुक के नीचे रखी हुई है उसके लिए आप कैसे बताएंगे? यस, अ पेंसिल इज अंडर द बुक, यानी कि ये पेंसिल बुक के नीचे रखी हुई है। अब जो पेंसिल इस स्टैंड पे, यानी कि पेंसिल स्टैंड पे रखी हुई है उसके लिए आप कैसे बताएंगे? ग्रेट, अ पेंसिल इज इन द स्टैंड, यानी कि पेंसिल स्टैंड के अंदर रखी हुई है। ग्रेट, आप काफी हद तक सीख चुके हैं। अब एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। रेडी हैं आप? ग्रेट, यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स दिख रही हैं। इस बर्ड की पोजीशन कैसे बताएंगे आप? अ बर्ड इज ऑन द ब्रांच, वेरी नाइस। ये बर्ड इस शाखा पे, इस पेड़ की ब्रांच पे बैठी हुई है। अ बर्ड इज ऑन द ब्रांच। और ये जो चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी है उसके लिए कैसे कहेंगे आप?
Great. A bird is under the tree. एक चिड़िया पेड़ के नीचे है. Good. और जो ये चिड़िया घोंसले के अंदर बैठी है उसके लिए कैसे बताएंगे आप? Yes, a bird is in the nest. ये बर्ड नेस्ट के अंदर बैठी हुई है. Great. तो आप सीख चुके हैं in, under and on prepositions को कैसे यूज में लिया जाता है. तो आप आपके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और उनके लिए हम कैसे पोजीशन बताएंगे वो सीखिए. और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए T2 लर्निंग चैनल को. बाय बाय.